पर हीरोइन जो होती हैं, चाहे पुरानी या नई कोई भी हीरोइन होती हैं, उनसे जब न्यूज कवर करने वाले, शूटिंग कवर करने वाले जब पहुंच जाते हैं तो उनसे बातचीत करते हैं, तो बातचीत में सारी हीरोइन एक जैसा बोलती हैं। उनके हिसाब से यही फिल्म सबसे सुपरहिट बनने वाली है। और ये मेकअप रूम में है और टीवी वाले आ गए, डोर नॉक किया, हु इज दैट? मैडम हम लोग चलो सिनेमा से। ओके की वेट आउटसाइड। अच्छा अच्छा बाहर बैठे हैं, बाहर। अच्छा वो लेंस। ओके चलिए, या पूछी क्या पूछ रहे, या पूछी क्या पूछ रहे। ओके मैं चेयर मंगाती हूँ। मेकअप दादा, टू चेयर। व्हाट यू हैव? टी कॉफी विद मिल्क विदाउट मिल्क? टू टी विद शुगर। चेयर आगे बैठ के, या पूछिए क्या पूछ रहे, पूछिए। मैडम इस फिल्म के बारे में बताइए, जो फिल्म की शूटिंग चल रही है इसमें क्या रोल है, इसके बारे में कुछ। वेल ये बहुत ही मतलब अलग टाइप से फिल्म बन रही है, बहुत ही डिफरेंट फिल्म बन रही है, बिल्कुल अलग फिल्म बन रही है। देखिए यूं तो हर कोई कहता है हमारी फिल्म सबसे अलग है, लेकिन सचमुच अलग है। बहुत ही अलग टाइप की फिल्म बना रहे हैं और इतना मजा आ रहा है शूटिंग करते हुए, लग ही नहीं रहा हम लोग शूटिंग कर रहे हैं। एकदम फैमिली एटमॉस्फेयर बना हुआ है, हीरो सो कोऑपरेटिव, एकदम पिकनिक जैसा माहौल है। ये बात जब मैंने प्रोड्यूसर से बताई तो कह रहा था पैसे वापस कर देना। अच्छा अच्छा मैडम इसके डायरेक्टर के बारे में बताइए। डायरेक्टर तो एकदम ही डायरेक्टर है, उनको आप देखेंगे तो लगेगा एक डायरेक्टर आ रहे हैं, इतने अच्छे डायरेक्टर हैं, इतना अलग ट्रीटमेंट है, इतना अलग टेकिंग है। वो तो मुझे पैकअप के बाद अलग से मिलते भी हैं। और राइटर तो एकदम ही एकदम राइटर, दूर से देखेंगे राइटर आ रहे हैं, चार पेन यहाँ लगे हुए, एक पेन नीचे लटक रहा है, इतने अच्छे राइटर हैं, बहुत ही। इस फिल्म में मैं एकदम टर्निंग पॉइंट पे आती हूँ, बिकॉज आई एम स्टेइंग नरीमन पॉइंट। डायरेक्टर टोल्ड ही शुड कम इन टर्निंग पॉइंट। या यस यस, इस फिल्म में मेरा रनिंग रोल है क्योंकि मैं 1.5 साल से दौड़ी हूँ इस रोल के लिए। इस फिल्म में मेरा रोल बाद में आउटस्टैंडिंग हो जाता है बिकॉज मैं 2.5 साल तक उनके ऑफिस के बाहर खड़ी रही हूँ। कल यस्टरडे नाइट होल नाइट कैमरा मेरे ऊपर ही था, बिकॉज आई एम असिस्टिंग कैमरा मैन ऑल्सो। या इस फिल्म में एक लड़की और कर रही है, मेरी को आर्टिस्ट है सम रॉय, व्हाट्स नेम, देवदास की हीरोइन जो रॉय ऐश्वर्या समथिंग, तो शी ऑल्सो डूइंग। अच्छा है, सबका काम चलना चाहिए ना, वो भी अच्छा कर रही है, बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छी फिल्म बना रहे हैं, बहुत ही अलग बना रहे हैं। अच्छा मैडम ये रिलीज कब तक हो रही है? एक्चुअली ये बहुत ही अलग फिल्म बनी इसलिए इसके डिस्ट्रीब्यूटर भी अलग होंगे, एग्जीबिटर भी अलग होंगे, और भगवान ने चाहा तो रिलीज के बाद हम लोग फिल्म इंडस्ट्री से ही अलग हो जाएंगे।